आज हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने थंब के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में अपर लिम्ब के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने लोअर लिम्ब के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक रीजन और किडनीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो बेसिकली एक्यूपंक्चर यह हो या फिर आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर हो या कोई भी एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर हो या फिर हिजामा, हमको दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, जो हम इस थेरेपी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है, या फिर यूं कहिए दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक है ऑर्गन बेस्ड, ठीक है, एक है ऑर्गन बेस्ड प्रॉब्लम्स और एक है मजल और स्केलेटो मजल प्रॉब्लम्स। स्केलेटो मजल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑर्गन ऑर्गेनल प्रॉब्लम्स। तीसरी चीज है न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम, स्केलेटो मस्कुलर प्रॉब्लम और ऑर्गेनल बेस्ड प्रॉब्लम। अब देखिए, ऑर्गन प्रॉब्लम्स मतलब जो बॉडी में ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसा कि आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इन सब में किसी में से एक को प्रॉब्लम आ सकता है। गाल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके फीमेल ऑर्गन्स, ओवरीज है, ओके, यूट्रस है, मेल में टेस्टिस है, इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो। सेकेंड प्रॉब्लम हो आपको आपके हड्डियों में या फिर आपके गोश्त में, स्केलेटो मजल, मतलब स्केलेटल मतलब हड्डी ढांचा, मजल मतलब गोश्त, ठीक है, हड्डी या गोश्त में प्रॉब्लम आ सकता है। जैसा आप गिर गए तो क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तो ये प्रॉब्लम किसका है, बोन का है, तो स्केलेटल प्रॉब्लम है, तो आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके फिजिकली आपको परेशान करते हैं, ये मोस्टली जो है स्केलेटो मसल्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, स्केलेटो मसल्स हमने समझ लिया। थर्ड नंबर है न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम्स, रगों में और गोश्त में प्रॉब्लम, इन दोनों का कनेक्शन है। रगे अच्छा होंगे तो मजल अच्छा होगा, मजल अच्छा होगा तो रगे अच्छे होंगे, तो दोनों का आपस में कनेक्शन, इसी तरह स्केलेटल और मजल का भी कनेक्शन है आपस में। तो वॉकिंग में, बैठने में, उठने में, तो तमाम प्रॉब्लम्स आपको मस्कुलर हो सकते हैं, हड्डी में हो सकते हैं या रगों में हो सकते हैं, इस बारे में हम लोगों को ध्यान लगाना है। तीसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था ऑर्गन प्रॉब्लम, ठीक है, ये इंटरनल है, एक ऑर्गन खराब होगा लेकिन कभी कभी क्या होगा, उसके रिलेटेड ऑर्गन के सिम्टम्स नजर आएंगे। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में यही चीज देखना है हमें, सिम्टम्स तो एक ऑर्गन के नजर आएंगे, जैसे खांसी है, इसके रिलेटेड ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है, ठीक है, लेकिन खांसी आपको दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। तो अब मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि हम स्केलेटो मसल प्रॉब्लम्स हो या न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, उसके बारे में हमने और डिस्कस किया था, लिम्स और थंब के बारे में, हेड एंड नेक, ठीक है, और वर्टिब्रा। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या क्या ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं उसको हम पहले लिस्ट करते हैं, ठीक है,
तो पहले नंबर पे आएगा आपका लीवर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर आएगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा हार्ट। फोर्थ नंबर पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका ब्रेन। सिक्स नंबर पे आएगा पेरिकार्डियम। सेवेंथ नंबर पे आएंगे स्टमक। एट नंबर पे आएगा स्प्लीन। नाइन्थ नंबर पे आएगा लंग्स। टेंथ नंबर पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इलेवेंथ नंबर पे आएगा किडनी और ट्वेल्थ नंबर पे आएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो इन ऑर्गन के, यानी इन ऑर्गन्स, दिस ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकते हैं आपको। लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकता है। ब्रेन को हम लोग एक्यूप्रेशर में और एक चीज भी दे सकते हैं नाम, उसका नाम है ट्रिपल वार्मर। पेरिकार्डियम को और एक नाम भी दे सकते हैं आप, स्पाइनल ब्रेन या ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पेरिकार्डियम, स्टमक, स्प्लीन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। सो हम लोग इसका ट्रीटमेंट जो करेंगे, जो बेसिकली क्या होगा, वो हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की वजह से हम इसके ट्रीटमेंट करेंगे। जैसा कि डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं पेशेंट, पेशेंट कहेगा कि मुझे बदहजमी बहुत हो रही है, डकारें आ रही हैं, गैसेस बहुत हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम किसका किसका हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये सब चीजें स्टमक में होती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है, या लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि मोशन अगर सही पास नहीं होगा तो भी चीजें हो सकती है, और डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो इसकी वजह से गैसेस आपको ज्यादा रिलीज होते हैं, ये तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा लिवर भी हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस तरह नोट आउट करना है, और हम करस्पॉन्डेंस में जाएंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रेस करेंगे जिमी से या प्रॉप से, और कहेंगे भाई आपसे कहाँ पेन है, पूछेंगे उनसे, तो वो जवाब देंगे सर यहाँ पे पेन है, तो वहां पे आप पॉइंट लगाए, तो पॉइंट लगाने के बाद आप उनको रिलीफ हो। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है किसी और ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, किसी और ऑर्गन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सो इंटरनल ऑर्गन्स कि एक ऑर्गन का सिम्टम्स आपको नजर आए तो आप सिंगल डायरेक्ट ऑर्गन को आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम किसी और ऑर्गन में है लेकिन सिम्टम्स दूसरे ऑर्गन से नजर आ रहे हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कैसा करें? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डायग्नोसिस जो करना है, यही तो असल चीज है, ठीक है। इसको हम फर्दर जैसा जैसा हम क्लासेस आगे बढ़ेंगे हम इजीली चीज सीखेंगे। तो आपको सुजोक में आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं इजीली, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कभी कभी वो रिजल्ट ऐसा रहेगा कि वो परमानेंट फायदा हो जाएगा पेशेंट में, मोस्टली 60-70% केसेस में।
लेकिन 30% केसेस में ऐसा होगा कि फिर से दोबारा पेशेंट को वो सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ऐसे मौके पे हमें समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम वो सिंगल ऑर्गन का नहीं है, बल्कि और दूसरे मल्टीपल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है जिसको हमें ट्रीट करना है। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन्स को ट्रीट करना है। जब आप मल्टीपल टाइम्स ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिम्टम्स पूरे खत्म हो रहे हैं, रुक जा रहे हैं, बल्कि मगर कुछ दिन के बाद फिर एराइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन ऑर्गन्स में है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अब हम इनका लोकेशन जानेंगे, सिक्स ऑर्गन्स का आज जानेंगे, ठीक है, फिर बाकी के सिक्स ऑर्गन्स का आगे की क्लासेस में जानने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गन्स को लोकेट करने का। हाँ, तो पैर दोनों में, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस थंब के एंडिंग में आपको एक लकीर यहाँ पे खींचना है और एक लकीर यहाँ पे खींचना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो लाइन है वो आपको इंडिकेट करेगा डायफाग्राम, डायफाग्राम ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसके ऊपर आपको लंग्स मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रेकिया मिलेगा, कुछ ट्रेकिया का हिस्सा यहाँ पे है आपको, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ एसोफोगस का हिस्सा यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। उसके बाद आपको इसके ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल सब मिलेंगे, और यहाँ पे लंग्स मिलेंगे आप। तो ये पूरा हिस्सा जो उभरा हुआ दिख रहा है हमें, ये पूरा उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पे, यहाँ पे जो आपको ये लकीर तक क्या है, लंग्स है। लंग्स में ये थंब के और, जहाँ पे थंब है, थंब के और, ठीक है, आप अगर लेफ्ट हैंड लेंगे तो थंब के और करीब रहेगा, और राइट हैंड लेंगे तो लिटिल फिंगर के और, वहां पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको हार्ट। तो हम दो ऑर्गन्स को लोकेट कर चुके हैं, एक है लंग्स और एक है हार्ट, और एक हार्ट और एक लंग्स। अब पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग को कहते हैं, हार्ट की कवरिंग को, जिस कवरिंग में हार्ट है। जैसा कि हम कोई, जैसा कि हम फोन खरीदते हैं, फोन के ऊपर पाउच पहनाते हैं, इसी तरह टेबल के ऊपर कुछ कवर रखते हैं, तो वो क्या है, हार्ट की कवरिंग में भी, इस हार्ट को भी इसी तरह कवर किया गया नेचुरली गॉड ने, वो है पेरी कार्डियम। ठीक है, तो लंग्स का लोकेशन हमें पता चल गया, हार्ट का लोकेशन पता चल गया हमें, और पेरिकार्डियम का लोकेशन पता चल गया। अब हम जो लकीर हमने खींची है, ठीक है, उस लकीर से दूसरी लकीर तक बीच में जो ऑर्गन्स रहेंगे वो क्या क्या है, लिवर। पहले हम लीवर को लोकेट करेंगे। मैं और आपके डाउट को क्लियर करता चले जाऊं कि लेफ्ट हैंड में अब राइट साइड का लंग है, अगर राइट साइड आप ले रहे हैं तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, लेफ्ट साइड का लंग अगर राइट साइड ले रहे हैं तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। लेफ्ट हैंड में राइट साइड का लंग अगर हम लोकेट करते हैं तो उसको हम प्राइम सेकेंडरी बोलेंगे। लेफ्ट साइड का लंग अगर हम लेफ्ट हैंड में लोकेट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट के बारे में, क्योंकि हार्ट सेंटर है, मोस्टली सेंटर है, ठीक है, तो हमें दोनों साइड उसको ट्रीट करना है। अगर उसको भी हम डिवाइड करेंगे तो राइट साइड का, अगर राइट साइड ट्रीट करेंगे तो प्राइमरी, राइट राइट साइड का, लेफ्ट साइड का राइट साइड ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट में भी दो हिस्से हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, अब आइए लिवर। लिवर जो हमारे लेफ्ट राइट साइड है, लेफ्ट सॉरी राइट अपर क्वाड्रेंट में है। अब देखिए ये हिस्सा, इतना हिस्सा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, यहाँ पे पैंक्रियास, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर। तो इस हिस्से में ये जो लकीर आपने इसने इतनी हिस्से में बनाई थी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिवर। तो लिवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका हैंड है, तो यहाँ पे आपने इसको लकीर खींचा है,
तो आप डायफ्राग्राम के नीचे, तो यहाँ डायफ्राग्राम एंड होगा, यहाँ पे आपको लीवर मिलेगा। अब स्टमक पीछे पीछे आपको इधर साइड स्टमक मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है स्टमक। ठीक है, मैं लोकेशन बताऊंगा हाथ में बनाकर, ठीक, इस चीज को गौर करें। और स्प्लीन और स्टमक भी आपको देखिए, थोड़ा हिस्सा भाग इधर है, थोड़ा इधर है, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेकिन लीवर पूरा का पूरा राइट साइड। तो लीवर का प्राइमरी कौन से हाथ में है? राइट हैंड में, सेकेंडरी लेफ्ट हैंड में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको स्टमक से अटैच होने वाला आपको दिखेगा, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये आपको इस हिस्से में दिखेगा, पेल्विक रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको अम्बलिकल कॉर्ड, ये है आपका अम्बलिकल, अम्बलिकस जिसको हम नाभि कहते हैं। वो नाभि क्या है? ये सेंटर में, ये लकीर आप ऐसे दारा डालेंगे तो यहाँ पे आपको नाभि मिलेगा। ठीक है, तो ये नाभि का हिस्सा है। तो जब आपकी नाभि सरकती है तो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं सुबह सुबह उठकर 1 से 3 मिनट तक, तो नाभि सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने लोकेट किया। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है? पहले असेंडिंग कोलोन है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसफर कोलोन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। तो इस तरह ऊपर नीचे निचला वाला हिस्सा आपको पेल्विक में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा जिसके ऊपर लकीर जो मिल रही है, उस लकीर के ऊपर आपको देखने मिलेगा आपको ट्रांसफर कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन। अब यहाँ पे आपको एनस वगैरह मिलेगा, ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स मिलेंगे, और साथ में यहीं पर आपको मैं बताता चलूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेवल एरिया, आप जब ऐसा लकीर खींचेंगे बीच से, सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ये नेवल एरिया। तो ठीक है, इस तरह आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह आपका लार्ज इंटेस्टाइन जाने जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे पेन अगर हो तो यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये है आपका ओवरी, ठीक है, ओवरीज द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ठीक है, किसी को पीसीओडी हो जाए और डेट्स का मंथली का प्रॉब्लम है, मेंसेस का प्रॉब्लम है, रेगुलर है, तो उनको यहाँ पे आप करस्पॉन्डेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमें जानने का। और एक लेडीज में मेमोरी ग्लैंड जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, उसका लोकेशन भी आपको लंग्स के ऊपर मिलेगा। ठीक है, लंग्स के ऊपर ये लंग्स आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पे इस हिस्से में लंग्स है, तो लंग्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे लोकेशन है ब्रेस्ट का। ठीक है, तो इस तरह हम लोकेट कर सकते हैं एरियाज पर। ठीक है, तो इस तरह हमने पूरे ऑर्गन्स पे लोकेट किया। ऑलरेडी मैंने पूरे ऑर्गन्स को बता दिया, आज मैंने इरादा किया था कि 6 बताऊं, लेकिन पूरे ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आइए प्रैक्टिकल करते हैं। ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका क्या है? हैंड है, ये राइट हैंड है। तो इसको आपने क्या किया, 3 लकीरें, सॉरी मैं लेफ्ट हैंड में लेता हूँ, ये आपका यहाँ से 1 लकीर आपने खींची, ठीक है, ये 1 लकीर हो गया। और जहाँ पे आपको, जहाँ पे आपके फैलेंजेस मुड़ते हैं वहां पे 1 लकीर आती है, इसको स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे एक बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ से सेंटर से यहाँ से 1 लकीर खींचिए, ठीक है, तो आप क्या
एक दो तीन चार पांच छह हिस्से हो जाएंगे। तो ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, बीच की लकीर, बीच की लकीर। तो हम पहला वाला यहाँ पे आएगा ट्रेकिया, यहाँ तक ट्रेकिया आएंगे, और साथों में ईसोफेगस भी आएगा पिछला हिस्से में, ठीक है। और यहाँ पे आपको लंग्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह आपको देखने मिल रहा है, ये लंग्स है दोनों, ये ट्रेकिया और एसोफेगस है। इसी के बीच में आपको देखने मिलेगा हार्ट, ज्यादा लेफ्ट साइड में रहेगा हार्ट, ठीक है। इसी तरह जो डार्क मैंने दिया ये हार्ट है, तो लेफ्ट साइड आपका ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। ये राइट साइड थोड़ा है, ठीक है। आप कंप्रेस करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे यहाँ पे पेन है क्या सर, तो अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो कहेगा हाँ भाई पेन है मुझे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप, ये आपका ईसोफेगस है, पीछे से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको एब्डोमेन मिलेगा, ठीक है। एब्डोमेन, ये आपका एब्डोमेन हो गया। यहाँ पे आपको स्प्लीन रहेगा, ठीक है। इसी के नीचे हिस्से में पैंक्रियाज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिवर, इतना बड़ा हिस्सा आपका लिवर का होगा। इसके नीचे गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर का एरिया है। अब यहाँ से आपको लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं से निकलेगा इस तरह उसको कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, एनस रेक्टम एनस, ठीक है। इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रेक्टम और एनस देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे ओवरीज मिलेंगे, ठीक है। ओवरीज में यहाँ पे आपको यूट्रस मिलेगा, यूट्रस के साथ साथ आपको यहाँ पे जेनेटाइल लेडीज का हो या जेंट्स का हो, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे जो किडनीज है, इस हिस्से में किडनीज है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जैसा यूरिथ्रा निकलेगा, यूरिटर सॉरी यूरिटर निकलेगा, वो आपको इस तरह ज्वाइन करते हुए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी मिलेगा आपको, तो वहाँ बीच में आपको उसका भी कनेक्शन आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग पूरे हैंड में ऑर्गन्स का हमने लोकेशन देखा, ठीक है। तो हमने करेस्पॉन्डेंस को सीख लिया, हमने पूरे बॉडी के करेस्पॉन्डेंस को हेड से लेके टो तक, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है आपको, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें सर होता क्या है। देखिए एक होता है करस्पॉन्डेंस, यानी पूरे बॉडी को करस्पॉन्डेंस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकंड होता है आपका इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है। और एक है मिनी करस्पॉन्डेंस, ठीक है। पूरे बॉडी को आपके हैंड में पाम में एज्यूम करना, पूरे बॉडी को आपको उंगली में फिंगर में एज्यूम करना, ठीक है। फैलेंजेस, पूरे फैलेंजेस में पूरी बॉडी को किसी एक जॉइंट में एज्यूम करना, ठीक है। इसको हम पूरा सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने हाथ में पूरा डिसाइड कर लिया, अब किस तरह उंगली में पूरी बॉडी आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद आपके एक जॉइंट में
पूरी बॉडी देखने को मिलेगी, वो हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है।